मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा जिला के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन गग्गल हवाई अड्डे पर आगमन का उनका महत्वपूर्ण स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार ने कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनावों को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पंचायतों के चुनाव तय सीमा पर ही हो। सीएम ने कहा कि बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को सुधारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के साथ चीन की सीमा लगती है, इस सब को देखते हुए किन्नौर और लाहौल स्पीति में सुरक्षा की दृष्टि से काम चल रहा है। साथ ही रोहतांग टनल जिसका उद्घाटन सितंबर में होने की उम्मीद है तथा पीएम स्वयं इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा की दृष्टि से हेलीपैड बनाना भी जरूरी है जिसका काम आईटीबी देख रही है तथा प्रदेश सरकार उन्हें हर चीजें मुहैया करवा रही है। लाहौल स्पीति में लोगों द्वारा कोई पलायन नहीं किया गया है। विकास को लेकर कुछ मुद्दे सरकार के सामने आए हैं, उन सारे मुद्दों पर सरकार काम कर रही है और इन मुद्दों के बारे में भी केंद्र को भी अवगत करवाया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में मंदिरों को फिलहाल सरकार नहीं खोलेगी। जैसे ही स्थिति ठीक होती है तो मंदिरों को खोलने को लेकर सरकार विचार कर सकती है। पिछले 2-3 दिनों से कोरोना मामलों में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मंदिरों को खोलने के लिए कोरोना के मामलों में और कमी देखी जाएगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। जिला कांगड़ा प्रवास पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। देखिए, एक तो जहां तक बॉर्डर एरिया के लिए कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमारी पहले प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे साथ बॉर्डर अगर लगता है, चाइना का बॉर्डर लगता है, तिब्बत का लगता है एक्चुअली, लेकिन तिब्बत का अभिप्राय चाइना ही है। किन्नौर में और लाहौल स्पीति में उस दिशा में हमारा काम चल रहा है, उन सारी चीज़ों का बहुत जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें जो रोहतांग टनल जिसका इनॉग्रेशन एक्सपेक्टेड है सितंबर के लास्ट वीक में, जिसमें प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, अटल जी की सोच थी और सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से वो बहुत आवश्यक था और लगभग 3200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट 9 किलोमीटर के टनल का जो है वो कंप्लीशन स्टेज पर आ गया है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है और अच्छी बात है। इसमें जहाँ तक बॉर्डर एरिया में सारे अपनी एक्टिविटीज़ को और सारी एक्सेस को इम्प्रूव करना, उस दृष्टि से जहाँ हेलीपैड बनाने की ज़रूरत है, वो भी जो है वो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे विशेष तौर से आईटीबीपी है इस एरिया में ज़्यादातर, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें, स्टेट गवर्नमेंट उनको पूरा सप्लीमेंट कर रही है, सहयोग करेगी जहाँ जहाँ भी अधिकारियों का भी एक पैनल वहाँ गया पुलिस की अभी हाल ही में प्लान कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये आपको पता नहीं, मुझे मालूम नहीं ये खबर कहाँ से है आप लोगों को। तो पुलिस के अधिकारियों के 5 कमांडेंट की हमने एक टीम भेजी थी किन्नौर और लाहौल स्पीति, वो विजिट करके आए और विजिट करने के बाद वो गांव-गांव में गए, लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों को मिलाया बिठाया और लोगों को इस बात के लिए कि आपके इश्यूज़ क्या हैं और किस प्रकार से ऐसी स्थिति में आपको यहां पर रहना है, काम करना है। और मुझे इस बात की खुशी है, चाहे लाहौल स्पीति की बात है चाहे वो हमारा किन्नौर है, सब लोगों ने कहा कि हम लड़ेंगे, हम भारत के साथ हैं, भारत के एक एक जो कतरे के लिए जो है हम अपना जीवन निछावर करेंगे। देशभक्ति का भाव वहाँ बहुत ज़्यादा जो है सबके मन में, सबके दिल में है। और दूसरी बात, पलायन की दृष्टि से इस प्रकार की कोई भी बात ना किसी ने कही है, ना ही करने की उनकी सोच है। हमने जिंदगी यहीं गुजारी है और आने वाले समय में भी हमारी पीढ़ियाँ भी इस प्रकार से यहीं पर रहेंगी, देश के काम आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये उनने रिकॉर्ड पर बोला है। और ऐसी परिस्थिति में उनके इश्यूज कुछ हैं जहां डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन चीज़ों को लेकर के भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार के समक्ष भी उन चीज़ों को लेकर के रिपोर्ट गई है और उसके बारे में डिटेल ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे इश्यूज ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पूरा फुलेस्ट कोऑपरेशन जो है उसमें। चलो, ये सारे प्रपोजल्स हैं उसके साथ, एक और है कि जो पुलिस के जवानों को
कई सालों से 180 रुपए टाइप मनी मिलती है बढ़ाने के प्रपोजल है 1000 सरकार। ये प्रपोजल्स हमारे पास हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और उचित समय पर जो निर्णय होगा वो लेंगे। एक परिस्थिति में हमने तय कर दिया था मंदिर खोलने का, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में, हर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है, और इसलिए फिलहाल इस बरसात के मौसम में ऐसे भी बहुत सारे संक्रमण, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो उनका फैलने की और भी ऐसे भी संभावना रहती है, वायरल की भी बहुत बड़ी संभावना रहती हैं, और पानी के कारण खासतौर से जिसमें आंत्रशोथ वगैरह की घटनाएं इन दिनों में ज़्यादातर होती है। ऐसे में हमने अभी तक तय किया है कि बरसात के मौसम में अभी फिलहाल 31 अगस्त तक जो है अभी तक जो है वो मंदिर खोलने की गुंजाइश नहीं बन पा रही है, और उसके बाद हम निश्चित रूप से विचार करेंगे अगर मामले थोड़े हमारे कंट्रोल में आए, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, पिछले कल भी हम देख रहे हैं कि नंबर टोटल जो आया है वो कम आया है एज कम्पेयर टू पिछले वीक का जो पूरा रहा है, ऐसे में अगर नंबर कम आता तो निश्चित रूप से विचार करेंगे, लेकिन बरसात के मौसम में मुझे लगता कि कठिनाई है। पंचायत चुनाव संभावित दिसंबर में, देखिए अभी तक हम कोरोना वायरस की वजह से हम चुनाव को एक्सटेंड करने के लिए ना कोई प्रस्ताव पर विचार किया है, लेकिन इससे पहले एक बात पर जरूर विचार किया है, पहले सेंसस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उन्होंने रेवेन्यू यूनिट्स डेवलपमेंट यूनिट को फ्रीज कर दिया था क्योंकि सेंसस की नोटिफिकेशन हो गई थी। अभी हाल ही में, अभी पिछले ही हफ्ते सेंसस डिपार्टमेंट की उस नोटिफिकेशन पर उनने जो है वो अभी रोक लगा दी है दिसंबर तक। उनका कहना है कि अगर आप लोगों ने कोई रेवेन्यू यूनिट या कोई इस प्रकार के डेवलपमेंट यूनिट बनाने हैं तो उसमें किया जा सकता, तो हम पूरा विचार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जहां पंचायतों को बढ़ाने के लिए हमारे पास लगातार प्रस्ताव आए हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से, डेवलपमेंट ब्लॉक से, तो उसमें अगर गुंजाइश निकली तो उसको हम करने की कोशिश करेंगे,